नमस्ते, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। देखिए कितना मजेदार डोसा बनके एकदम से रेडी है। आपके भी मुंह में पानी आ गया ना, मेरे भी आ गया। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लिया है, ऐड किया है बारीक सूजी है ये। आपके पास अगर मोटा है तो मिक्सी जार में पीस के उसे बारीक कर सकते हैं। ऐड किया है मैदा, बिना झंझट के बहुत ईजिली झटपट से बन जाता है। चावल का आटा है वो ऐड किया है हमने। ऐड किया है 2 चम्मच दही, ये खट्टा दही है, आप चाहे तो नॉर्मल ले सकते हैं। सॉल्ट ऐड किया है, अच्छी तरह इन सबको मिक्स कर लेना है। पानी ऐड करके हमें इसका एक घोल बना लेना है बिना लम्स के। घोल हमें पतला ही चाहिए होता है, क्योंकि जितना घोल पतला होगा डोसा हमारा उतना ही अच्छा और क्रिस्पी बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है, अच्छी तरह हमें इसका घोल बना लेना है। ऐड करना है बारीक कटा हुआ प्याज यानी कि अनियन, कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया कटा हुआ बारीक, अच्छी तरह ढक के रख देना है। अब हमें इसकी फिलिंग बनानी है। पैन लिया है, ऐड किया है ऑयल, चॉप प्याज है ये, अनियन, सेम शिमला मिर्च है। अच्छी तरह हमें इसे सोटे कर लेना है। ये बॉयल मैक्रोनी है जो हमने ऑयल एंड नमक के साथ बॉयल किया था। ऐड किया है पनीर, बाकी डोसा से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। ये ऐड किया है अजीनामोटो, जिसे चाइनीज सॉल्ट भी बोलते हैं। ऐड किया है सॉल्ट, ये वाइट विनेगर है वो ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। ये ऐड किया है शेजवान चटनी, 3 चम्मच है। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छी तरह इनको सबको मिक्स कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे जो है ना YouTube फैमिली मेंबर बन जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। ऐड किया है हरा धनिया, हमारी फिलिंग बनके एकदम से रेडी है। इसे हमें ठंडा होने के लिए साइड रख देना है। पैन एक हमने तवा लिया है, बैटर है हमारा। इसे हमें अच्छी तरह से घोल के मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमारा जो सूजी एंड चावल का आटा है वो नीचे बैठ जाता है। अच्छी तरह इसको मिला लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। हमारा तवा देखिए गरम है एकदम से, डोसा बनने के लिए रेडी है। अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अपने बैटर को हमें इस पर अच्छी तरह फैला लेना है कुछ इस तरह। जैसे ही हमारा डोसा पकना रेडी हो जाएगा, इसमें हमें ऐड करना है ऑयल हल्का सा, तो हमारे डोसा किनारे छोड़ना स्टार्ट कर देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, झंझट ये अपने आप ही निकल आता है बहुत ही इजीली।
ऐड करना है हमें हमारी फिलिंग जो हमने मैक्रोनी और पनीर की रेडी की है। किनारे देखिए अपने आप ही छोड़ने स्टार्ट कर दिए इसने। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, आपका सपोर्ट एंड साथ इसी तरह बना रहे, बस हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हमें इसे पलट के फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह, देखिए एक प्लेट में निकाल लेना है। ये टमाटो केचप एंड ग्रीन चिली सॉस है, शेजवान चटनी, इसे हमें पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व करना है। हमारा एकदम डोसा बनके रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।